परिषदीय विद्यालयों की स्कूलों के शैक्षिक गुणवत्ता की जांच के लिए विकास भवन के सभागार में निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जिसके तहत जनपद के सभी विकास खंडों के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जाएगी तथा विद्यालयों की मार्किंग भी किया जाएगा। इस दौरान जिन विद्यालयों में स्कूलों में छात्रों की संख्या कम रहेगी या स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वहाँ उस स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाए जाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इससे विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और छात्रों का पठन पाठन सुचारू रूप से संपन्न हो सकेगा। विकास भवन के सभागार में मनाए गए निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, पानी एक बूंद हेलो पहले बताओ कि अगर ब्रह्मपुर ब्लॉक में जितने मेरे प्राइमरी स्कूल हैं सारे इसमें कितने स्कूल हैं पूरे स्कूल का डेटा है सारे 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 हम कभी समझा जी ये कलर का क्या मायने है और किस ब्लॉक का ये अभी आप बोले सर बीते 27 नवंबर को एक बेसलाइन असेसमेंट टेस्ट हुआ था बच्चों का गोरखपुर जनपद के बच्चों का जिसको सरल ऐप के माध्यम से ये बेसलाइन असेसमेंट टेस्ट लिया गया था बच्चों का जिसमें कक्षा 1, 2 और 3 का हिंदी और गणित का एक टेस्ट हुआ था और सरल ऐप के माध्यम से जो OMR शीट भेजी गई थी और जो प्रश्न पत्र भेजे गए थे विद्यालयों को उनमें बच्चों की दक्षता के हिसाब से उस OMR को स्कैन करके और जो डाटा यहाँ पे भेजा गया हमारे पास वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट और जो ब्लॉक है वो बेलघाट है, बेलघाट क्लस्टर, और जब हम बेलघाट क्लस्टर को हमने सेलेक्ट किया तो बेलघाट में जितने विद्यालय हैं क्रम से सारे विद्यालयों का कक्षा 1, 2, 3 का मैथमेटिक्स और हिंदी का ये रिजल्ट, ये जो लर्निंग आउटकम रिजल्ट है वो आपके सामने है। ये अलग अलग जो कलर्स हैं वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि 0 से 0 to 100 है, अलग अलग कलर्स से इनको हम पहचान 70 है, कुछ का 40 है, इस तरह से सारे परसेंटेज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। विद्यालय को भी आप वहाँ से देख सकते हैं इस पर माने जी जी बिल्कुल कोई विद्यालय इस तरह जिसको देख सकते हैं आप अभी लाइव तो नहीं देख सकते हैं, विद्यालय से जो डाटा भेजा जाता है प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से और जो सरल ऐप के थ्रू जो भेजा गया था बेसलाइन असेसमेंट के थ्रू वो डाटा हमारे सामने यहाँ पे। तो क्या यहाँ से आप उनको कुछ सलाह भी देंगे विद्यालयों में? निश्चित तौर पे ये मॉनिटरिंग सेंटर बनाया ही इसीलिए गया है ताकि हम यहाँ पे इस डाटा को देखें, हम इसकी एनालिसिस करें और हम ये जानने की कोशिश करें कि अगर कहीं पे हमारी हमारे बच्चों की दक्षता कम है तो क्या कारण है कि दक्षता कम है, हमारे कई बच्चे बहुत अच्छे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि इन बच्चों के लिए जो टीचरों का जो प्रयास है वो किस स्तर का है, उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों को इस तरह से अच्छा बनाया और हम उनसे ये चीज़ें आगे भी सर्कुलेट करवाएंगे, पूरे जनपद में लोगों को बताएंगे। जहाँ पे देख रहे होंगे आप, जहाँ पर मान लीजिए 15% है, जहाँ पे 0 है, हम वहाँ के टीचरों से भी ये कांटेक्ट करेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि ये स्थिति क्यों है, ठीक है, और हम यहाँ से किस तरह से उन्हें असिस्ट कर सकते हैं ताकि वो अपने बच्चों की दक्षता को बढ़ा सकें। जैसे आप जानते हैं बच्चों की बुनियादी दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प, मिशन प्रेरणा और विभिन्न योजनाओं को संचालन किया गया है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत और भारत सरकार द्वारा जारी निपुण भारत गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों को दक्षताओं को प्रत्येक माह मूल्यांकन करना होता है। तो लर्निंग आउटकम्स बेस्ड असेसमेंट्स हर महीने करते हुए उसको सरल ऐप के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए, मशीन लर्निंग यूज़ करते हुए तो रियल टाइम पे असेसमेंट करना हो जाता है ताकि पूरी प्रणाली जो स्कूल एजुकेशन प्रणाली है वो आउटकम बेस्ड हो, डेटा ड्रिवन हो। इसी के लिए ये निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर किया गया जिसमें हमारे जनपद के सभी बच्चों का लर्निंग असेसमेंट हमने अभी किया था नवंबर में और उसके परिणाम डैशबोर्ड्स में देखा जाता है, उसका मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया और वहाँ पर हमारे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और अन्य टीचर्स द्वारा हमारे प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को रियल इनसाइट्स डेटा आधारित पर दिया जाएगा और इसका अध्ययन
भी करते हुए ये पूरी प्रणाली को एक तकनीक का प्रयोग करते हुए सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था है। इसीलिए ये निपुण भारत मॉर्निंग सेंटर का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है और ये कार्यक्रम किया जा रहा है।